लोकसभा चुनाव 2024 के जरिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में मेगा एंट्री करने जा रहे हैं। खबर है कि AIMIM करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक पार्टी ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन ओवैसी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि AIMIM 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि चर्चा में दक्षिण मुंबई सीट भी है। खास बात है कि इस सीट को मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। यहां से फिलहाल शिवसेना UBT के अरविंद सावंत सांसद हैं। खबरें हैं कि सोमवार को भी ओवैसी दक्षिण मुंबई में कुछ स्थानों पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने सांसद इम्तियाज जलील और विधायक वारिस पठान के साथ भी लंबी चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष ने राज्य की सीटों की समीक्षा की और चर्चा की कि किस उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ओवैसी का दौरा चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं था। बीते लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 में से एक सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उस दौरान पार्टी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि VBA को एक भी सीट नहीं मिली थी। बाद में VBA ने ये कहकर गठबंधन तोड़ दिया कि AIMIM के वोट हमारे उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो सके। इस सीट पर अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहां प्रचार तेज कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिवसेना UBT दक्षिण मुंबई सीट पर एक बार फिर सावंत को ही टिकट देने वाली है। वो MVA उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।